दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 मार्च 2024 दिन रविवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज आपकी आर्थिक स्थिति में अनुकूल बदलाव आएंगे और आपके व्यवसाय में वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत में आज इजाफा होगा और आप आर्थिक तौर पर आज अच्छा सामंजस्य रख पाएंगे। आपकी मुलाकात आज अपने किसी करीबी परिवार से हो सकती है जिनसे मिलकर आपको खुशी होगी और वह किसी काम में आपकी मदद भी करेंगे। साथ साथ पैसों की लेन देन में आज आपको सावधानी रखना है तथा किसी अन्य व्यक्ति को धन देना नुकसानदायक हो सकता है। इस दिन मानसिक अशांति तथा तनावपूर्ण स्थिति ज्यादा हो सकती है, इसलिए किसी भी तरह का ठोस निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें आज धन अचल संपत्ति इत्यादि को लेकर स्थितियां आपके काफी अनुकूल रहने वाली हैं। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में आज आपको उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आप निवेश का भी नजरिया अपना सकते हैं और आज निवेश कर आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ आज आपका ससुराल पक्ष के लोगों के साथ झगड़ा भी हो सकता है अथवा आपके जीवन साथी द्वारा आपके मायके का पक्ष लेने के कारण आप दोनों के बीच थोड़ी अनबन भी हो सकती है, इसलिए आज आपको क्रोध पर नियंत्रण एवं वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा विवाद में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने माता पिता के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, इससे न केवल आपका भाग्य चमकेगा बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। अभी तो आपके जीवन में तरक्की भी आएगी। आपको बता दें करियर ऊंचाइयों पर जाने की आज अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा साबित होगा। साथ ही साथ यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ आपको इस बात का भी अवश्य ध्यान रखना होगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास में पढ़कर कोई भी गलत निर्णय आप आज ना लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कष्ट आप ना दें, अन्यथा स्थिति आपके विपरीत भी हो सकती है। तैयार हो जाइए और संभावनाओं को सच में तब्दील करने के लिए आज का समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही भाग्यशाली समय साबित होगा। बहुत ही अच्छा दिन है आज आपके लिए, समय का आप भरपूर लाभ उठाएं। साथ ही साथ आपको बता दें संतान के प्रति आपका व्यवहार आज काफी अच्छा रहेगा और संतान की प्रगति से आप संतुष्ट होंगे। विद्यार्थियों को उनके परिणामों में सफलता मिलेगी और उन्होंने जिस दिन के लिए मेहनत की थी वह मेहनत कामयाब हो जाएगी। मित्र भाई बंधु इत्यादि के साथ बेहतर संबंध हो सकते हैं जिससे कामकाज के साथ साथ घर परिवार में भी एक दूसरे के प्रति अच्छी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही साथ मन विचलित होने के कारण कामकाज पर इसका बुरा असर भी पड़ सकता है।
सोचने और समझने के साथ साथ निर्णय लेने में भी विलंब हो सकता है, जिसके कारण काम काज को सही दिशा मिलने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ ऑफिस अथवा कार्यालय में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अधिक भरोसा ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो वह आपके भरोसे का नाजायज फायदा भी उठाकर आपको चोरी छुपे नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण ऑफिस में आपकी छवि को नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सचेत रहें, सावधान रहें आज आप। साथ ही साथ दोस्तों बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें प्रेम संबंध आज अच्छे हो सकते हैं। मन के अनुकूल प्रेमी प्रेमिका मिलने की संभावना आज पाई जाती है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं और उससे अपनी मन की बात शेयर करना चाहते हैं तो आप आज कर सकते हैं। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन को लेकर स्थितियां आज काफी अच्छी रहने वाली हैं। साथ ही साथ आपको बता दें यह समय आपके प्रेम जीवन के लिए काफी अनुकूल सिद्ध होगा और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छे समय का आज आनंद लेंगे। आप अपने साथी के प्रति समर्पित और निष्ठावान रहेंगे तथा उनके द्वारा की गई बातों को और सुझावों को खुले मन से आप आज ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ आपका जीवन साथी आपको आपके प्रत्येक कार्य में समर्थन देगा और समय आने पर आपकी आज सहायता भी अवश्य करेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका वैवाहिक जीवन काफी अच्छा रह सकता है। दोस्तों बात करते हैं आज आपका व्यवसाय कैरियर कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें कार्य क्षेत्र में वातावरण आज आपके काफी अनुकूल रहेगा और सहकर्मियों का आज आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे आपके सभी कार्य आज बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। साथ ही साथ आपको करियर और बिजनेस में आज अपार सफलता प्राप्त होगी और आज आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ देंगे। जय दोस्तों आपको बता दें आर्थिक रूप से आज उन्नति के अनेक अवसर आपके सामने आएंगे और उनके फलस्वरूप आप आज अच्छा धन प्राप्त कर पाने में भी सफल होंगे। साथ ही साथ विदेशी संपर्कों से भी स्पर्श आपको आज अच्छा लाभ होने की संभावना दे रहा है। जय दोस्तों आज आपको अपने सभी कार्यों में अच्छा लाभ भी होगा और आपके करियर में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी। यदि आप किसी मित्र के साथ कोई व्यापार कर रहे हैं तो इस दौरान आपको अधिक लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में उन्नति के अच्छे अवसर आज प्राप्त होंगे। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से जुड़े लोगों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी हां दोस्तों आज उनको नौकरी प्राप्ति के योग हैं। समय करियर और व्यवसाय के लिहाज से बहुत ही अच्छा साबित होगा। जय दोस्तों बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें पेट से संबंधित इन्फेक्शन आदि हो सकता है, ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति आप आज सचेत रहें। घर में कई ग्रहों की युति आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। एक नियमित और अच्छी दिनचर्या का पालन करें और आप स्वस्थ रहें। दोस्तों साथ ही साथ अब बात करते हैं आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, तो दोस्तों आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहने वाला है 9 और भाग्यशाली रंग रहने वाला है गुलाबी। और दोस्तों अब बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, किन किन उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आप भगवान श्री गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा बच्चों में बांटें, इससे जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। और साथ ही साथ आप आसपास के अस्पताल में जाकर रोगियों की सहायता करें। सहायता मतलब आप उन्हें कोई खाने के लिए कुछ चीज दे सकते हैं या अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। और साथ ही साथ आप भगवान श्री कृष्ण जी के समक्ष कपूर जलाएं, ऐसा करने से आर्थिक स्थिति प्रबल होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, धन लाभ के योग भी बनते हैं। और दोस्तों बात करें
आज आपको भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा? तो दोस्तों आपको बता दें, आज आपको आपके भाग्य का पूरे 91% साथ मिलने वाला है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।